सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हो। सो अपडेट की तरफ चलते हैं। सो गाइस, ये अपडेट आ रही है रफ्तार पाजी की तरफ से। सो गाइस, जो आज तक गिला उनका एक न्यू इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने रफ्तार और बादशाह के बारे में बात की कि वो कैसे रफ्तार से मिली, कैसे बादशाह से मिली, कैसे वो सिंगर बनी। तो उन्होंने बात की है तो मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ। तो रफ्तार भाई उस टाइम पे आए थे हमारे कॉलेज में प्रीलिम्स जज करने, आई थिंक। अच्छा, ये तो स्पंदन के लिए था, दूसरे अनुगूंज के लिए था। अनुगूंज के लिए लेकिन वो आए थे एक दिन कॉलेज, हमारा डांस देखने आए थे, क्योंकि उस टाइम पे ही वाज इन डीआईडी डबल्स मैक्स वो वाले, डांस भी करते थे। हाँ मतलब वहां से निकल के ही आए थे वो। फिर उसके बाद हमारे कॉलेज ने उनको बुलाया था, सो ही हैड कम। तो वो देख रहे थे डांस वांस ये वो, थोड़ा सा उन्होंने हमारी हेल्प भी करी कि यू गोइंग और ये ऐसे कर वैसे कर। तो उस टाइम पे उनके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत सही बैठी, तो करो ये तो भाई है अपना, ये तो भाई है बिल्कुल ही। उनके साथ उस टाइम पे आए थे ध्रुव भी और दीपू भी। ध्रुव भी इज नाउ माय मैनेजर। ओह नाइस नाइस। आई डोंट रिमेम्बर ध्रुव दो, ही इज फ्रॉम आवर कॉलेज। नो, ही केम विद रफ्तार भाई, ही केम विद मैक्स भाई, उनके साथ आए थे। बिकॉज ध्रुव भी है, दीपू भी है एंड मैक्स भाई, ये तीनों आपस में देयर लाइक सुपर टाइट। तो बेसिकली उस टाइम पे वो दोनों मैक्स भाई को मैनेज करते थे, तो तब वो लोग आए थे। फिर मैं ना एक यहाँ से, मैंने कहा आप फटाफट ये रिहर्स कराओ, मैं जरा वहां पे फटाफट दो हाथ मार के आती हूँ। आई वेंट देयर एंड आई वेंट फॉर माय सिंगिंग थिंग। तो उन्होंने मेरे को सुना गाते हुए, उन्होंने, मैं वापस गई तो उन्होंने मुझे बोला आशा तेरी ना वोकल टेक्सचर बहुत सही है, मतलब बहुत यूनिक है। तो मैं, हम लोग भी गाने बना रहे हैं, ऐसा ऐसा सीन है, सो तू करे क्या हमारे साथ रिकॉर्ड कुछ? मैंने कहा चलो नेकी और पूछ पूछ भाई रेडी चलो। एंड एट दैट टाइम वी लाइक आफ्टर प्रैक्टिस, उसके बाद फिर मैं स्टूडियो जाती थी उनके साथ गाने डब, एंड दरवाजा खुलता है बादशाह भी वॉक्स। अच्छा बादशाह वॉल्यूम अच्छा वन दोज वर द डेज राइट, दोज वर बादशाह बाईज कमिंग अप डेज राइट। भाई, उसके बाद तो बैड मेरे मुंह से गाना ही नहीं निकला वहां पे। एक घंटे तक मैं एक ही लाइन गा रही थी, वो उड़ा भी नहीं मेरे से। सो रफ्तार इंट्रोड्यूस्ड यू टू बादशाह भाई राइट। या सो इंट्रोड्यूस मी एंड देन आई लेटर ऑन गॉट टू नो दैट देयर। सो गाइस, फुल इंटरव्यू की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। सो गाइस, ये अपडेट आ रही है एमसी स्टैन की तरफ से। सो एमसी स्टैन का जो हाथ वर्दी सॉन्ग है वो आउट हो चुका है। अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा तो जाकर आप सुन सकते हो, देख सकते हो। सो गाइस, इस सॉन्ग के रिलीज होने से पहले एमसी स्टैन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली जिसमें कुछ ऐसा लिखा था, मैं रैप छोड़ने वाला। और गाइस, ये स्टोरी उन्होंने कुछ ही टाइम बाद डिलीट भी कर दी थी। सो गाइस, आपकी क्या राय इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।